कहते हैं कि बीआरओ केवल आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करता है, पर मुझे लगता है कि बीआरओ इससे कहीं आगे कनेक्टिंग प्लेसेस, कनेक्टिंग पीपल की फिलॉसफी के साथ देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। अत्यधिक दुर्गम और रिमोट एरिया में काम करने वाले बीआरओ के कर्मयोगी कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर उन जगहों पर भी पहुंच गए हैं जहां और लोगों के द्वारा पहुंचने का प्रयास कभी नहीं किया गया। यह बार जब आया था रोड मेंटेनेंस भी ठीक नहीं था, यह बार आया, इस बार जब मैं आया हमको बहुत खुश लगा। तो बीआरओ को मैं अपना दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है पेमा दुर्जुगला और मैं यहाँ का गांबुरा हूँ। रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा मेंचुरा टाउन को चार चांद लगाने में बहुत योगदान दिया है। उसके बाद डेवलपमेंट के क्षेत्र में बोलो या आपका अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में बोलो, बीआरओ तो बहुत बड़ा एक रोल खेलता है। हमारे ऊंचे अधिकारी जो बैठा है हमारे बीआरओ के अंदर में, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये सुंदरता बनाए रखा है और बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ जेलिंग प्लेस में जो अभी ग्रीफ कछुओं से रास्ता बन के आ रहा है 28 किलोमीटर है, जो जेलिंग लास्ट बॉर्डर बाउंड्री है यहाँ इंडिया के, और ये रास्ता ग्रीफ जो ग्रीफ बना के आ रहा है वो जो अच्छा से बना 10 चक्का तक है, वो भी आना जाना हो जाता है और बस्ती लोगों को भी जितना अच्छा सुविधा मिल रहा है आजकल जो तारी रोक होने के बाद। अब तक हम देखा गया है टूटिंग से लेकर हमारा को पहुँचने वाला है तो उसमें काम एकदम 90% सही चल रहा है। यहाँ का गांव कोपो गांव का जो जनता पब्लिक या यूथ लोग काफी खुश है।